सिक्स क्लास। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने इस वाले पेज को पढ़ा था जिसमें हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था और जो स्थल रूप हैं उसे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे अपन ने ख़त्म किया था कि पर्वतों से लाभ क्या क्या हैं, लाभदायक हैं, और यहाँ पे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। अब अपन बच्चे शुरू कर रहे हैं अगला हिस्सा स्थल रूप का, पठार। ठीक है, अब पठार में देखो यहाँ आप इसके पहले देखो आप कुछ चित्र ऐसे बने हुए हैं ज्वालामुखी के। ठीक है, यहाँ पर ये देखो आप एक चित्र दिख रहा है ना खेल का, ये स्कीइंग कहलाता है बेटा। बर्फ़ में जो फिसलते हैं ना इस तरह से स्टिक ले करके, ये स्कीइंग कहलाती है। पठार का चित्र भी बना हुआ है देखिए इस तरह से। ये पठार ऊँचे तो हैं पर पहाड़ों जैसे नहीं है। पहाड़ों में तो क्या होती है बच्चे, चोटियाँ होती है। ये ऊपर का हिस्सा जो है वो उबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, और किनारे जो होते हैं बिल्कुल यहाँ पे ढलाव वाले होते हैं। अब ये अपन देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है पठारों के बारे में। पठार उठी हुई सपाट भूमि होती है और आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। जैसे एक टेबल होती है ना, आपने टेबल देखी होगी सबके घरों में टेबल होती है। तो टेबल में जैसे होता है ना ऊपर सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन ऐसा होता है और नीचे सपाट होता है, तो इसके ढाल भी एकदम कड़े होते हैं। और पठार भी पर्वतों के नए भी होते हैं पुराने भी होते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो छोटी क्लास से तो उसमें भारत का जो चित्र आता है उसमें जो अपना दक्षिणी हिस्सा है वो दक्कन का पठार कहलाता है, सबसे पुराने पठारों में से है। इसके अलावा अफ्रीका के कुछ देशों में युगांडा, तंजानिया, केन्या, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम पठार, फिर अपने तिब्बत का पठार, ये सबसे ऊँचा है। ऊँचाई देख लो, अच्छा ध्यान रखना कभी भी किसी चीज़ की ऊँचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से नापी जाती है। तो इसकी ऊँचाई कितनी है, 4,000 से 6,000 मीटर तक। अगर पर्वतों की ऊँचाई भी देखनी है तो समुद्र तल से उसको नापा जाता है। पठार भी बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि पठारों में खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकतर खनिज जो है वो पठारी एरियों में मिलते हैं। जैसे अफ्रीका में सोना, हीरा, इसका खनन कार्य बच्चों होता है जो ज़मीन को गहरा खोदा जाता है ना, तो खनिज पदार्थ गहरे खोदने पे मिलते हैं। तो ऐसे भारत में भी छोटा नागपुर का पठार है, उसमें लोहा, कोयला, मैंगनीज, इसके भंडार पाए जाते हैं। जलप्रपात भी होते हैं। अब जलप्रपात आपको पता है वाटरफॉल कैसे बनते हैं? जलप्रपात जब नदी बहती है तो समतल स्थानों में बहती तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब पठारों में उबड़ खबड़ इलाके से बहती है तो कहीं कहीं क्या होता है बीच में बहुत ढाल आ जाता है, गहरा स्थान, तो ऊपर से नदी का पानी नीचे की ओर गिरता है, तो उससे एक जो सुंदर दृश्य बनता है ना उसको जलप्रपात कहते हैं। क्योंकि नदियाँ क्या होती हैं यहाँ पर बहुत ऊँचाई से गिरती है। तो ऐसे देखो कौन कौन से जलप्रपातों के इसमें उदाहरण दिए, छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात, कर्नाटक में जोग जलप्रपात। ये जोग जलप्रपात तो कई आपने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत ऊंचाई से गिरता है, ये उदाहरण है। आप पठार में क्या है अधिकतर कहा जाता है कि भाई लावे से बने हुए जो हिस्से होते हैं ना, तो इसमें काली मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, उपजाऊ होती है। पठारों में बहुत अच्छे दृश्य होते हैं, पर्यटन क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अगला जो स्थल रूप आता है वो आता है मैदान। मैदान तो समतल होते हैं, देखो आपने मैदान में चित्र देख रहे हो आप, ये समतल से ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते, और मैदान समतल भी होते हैं। यहाँ पे नदियों के मैदान भी होते हैं, नदियों द्वारा जो बहा के चीज़ लाई जाती है। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीज़ें बहा के लाती हैं, और जब ये मैदानी भाग में बहती हैं तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, तो क्या होता है धीरे 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 वो वहाँ पर उसको अपने साथ लाए हुए पदार्थ को छोड़ती हुई जाती हैं। और जब लास्ट में ये समुद्र में गिरती हैं तो उसके पहले भी सारे चीज़ें वहाँ पे छोड़ देती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण भी होता है। ठीक है, और इन जो निक्षेप हैं, जो इन जमाव है, उससे ही क्या होता है मैदानों का निर्माण हो जाता है। और ये मैदान बहुत उपजाऊ भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लेन होता है, तो यहाँ पे आबादी के लिए भी बहुत अच्छी जो है परिस्थितियाँ होती हैं। यहाँ पे रेल लाइन बिछाई जा सकती है, सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। अब अगर अपन कहें पर्वतों में सड़कों का निर्माण थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि सीधा ढाल होता है, ऊँचाई होती है, हालाँकि सड़कें वहाँ भी बनती है पर मैदाने जो है भाग उसके मुकाबले अगर अपन देखें तो मैदान में ज़्यादा जो है इसकी बसावट होती है, जाल बिछा होता है सड़कों का। तो ऐसे मैदानी भाग जो है नदियों के द्वारा बने, इसमें भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक है,
चीन में यांगसे नदी का मैदान, ये भी बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैदान जो है यहाँ पे मनुष्य के रहने के लिए बहुत उपयोगी परिस्थितियाँ होती है, इसलिए जनसंख्या भी यहाँ पे ज़्यादा होती है, क्योंकि खेती आराम से हो सकती है यहाँ पर, भूमि अच्छी उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या भी लोग ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर अगर तुलना करते हैं लोगों की रहने की, तो पहाड़ी क्षेत्र में तो जीवन कठिन होगा ही, किसके मुकाबले, मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले, क्योंकि मैदान में तो सब चीज़ें आसान होती हैं, घर बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कहीं आना जाना हो तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे वहाँ पर साधन भी हैं। पर पर्वतों में कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति होती है जगह ही नहीं होती जाने की, तो या तो हवाई यात्रा से आप जा सकते हैं, क्योंकि उबड़ खाबड़ होता है रास्ता वहाँ पर। फिर भी बहुत सारे जो हैं राज्यों में लोग रहते हैं वहाँ पर। पर जब अपन अंतर करते हैं तो कुछ अंतर ये भी देखते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप है, ज्वालामुखी है, तूफान है, बाढ़ है, इनसे बहुत ज़्यादा जो है विनाश हो जाता है। तो यहाँ पर जो है जो स्थलीय भाग हैं, मैदानी भाग हैं, इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कई बार कि लोग इन स्थलों का प्रयोग गलत करते हैं। अब उपजाऊ भूमि जो होती है बच्चे, वो तो होती है किसके लिए, खेती के लिए। लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पर मकान बना लेते हैं, ऐसे कचरा वचरा जो होता है ये सब कहीं नदी में फेंक देते हैं, ठीक है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है, भूमि पे फेंक देते हैं तो भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। देखो ये प्रदूषित नदी का चित्र, कितनी गंदगी हो रही है। तो कर्तव्य क्या है हमारा, हमारा कर्तव्य ये है कि हम इन सब चीज़ों को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा करके रखें। तो इसके लिए आपको पता है भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन चलाया है, घर घर से कचरा लेकर के, ताकि अपना साफ जल रहे, स्वच्छ वायु रहे, स्वच्छ वातावरण मिलेगा, तो उससे क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको ये बहुत सारे चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सा चित्र कहाँ का है। देखिए चाय के बागान है, ये आपने कई फिल्मों में देखे होंगे। ये रिवर राफ्टिंग है, ये नदी में देखो आप जैकेट पहन के बैठे हुए हैं। ये देखिए ऊँची पहाड़ी पर चारागाह हैं पशुओं के लिए। ये बर्फीला क्षेत्र आ गया, बर्फ़ से ढके हुए हैं। ये ऊंची पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं यहाँ पर देखिए। ये समुद्र का हिस्सा है, ये नौका दौड़ हो रही है नदी में। तो ये विभिन्न प्रकार के, ये मरुस्थली एरिया, हम राजस्थान के हैं तो हम इसको ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये स्वच्छ भारत मिशन और ये जो है, ये देखिए रस्सी से बना पुल नदियों के ऊपर, इनके ऊपर बनाया जाता है। ये यहाँ पे खेती हो रही है देखिए। इन चित्रों से भी हमें बहुत सारी बातों की जानकारियाँ मिल जाती है। तो ये देखो आप चित्र देख रहे हो तो इससे आपको काफ़ी जानकारी, ये देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, ये ज्वालामुखी कैसे फूटता है, कैसे अंदरूनी हलचल होती है, और ये फिर सारा लावा जो है ऊपर निकलता है, फिर लावा बहता बहता जहाँ जाता है वहाँ पर ये कई बार मैदानों का निर्माण भी कर देता है। यहाँ पर फिर खेती के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। तो बच्चों आज अपन ने ये देख लिया पठार क्या होते हैं और मैदानी भाग क्या होते हैं, इनसे क्या लाभ हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद अपना पोर्शन जो है वो क्वेश्चन आंसर का हो जाता है, वो तो मैं आपको फिर अलग से भेज दूँगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर अपना इतना ही होगा काम।